बहरहाल इस दौर का जो है बाबा आगाज़ हो उससे पहले मैं रेहान नूर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें असलकुम मैं सबसे छोटा यहाँ शायर हूँ उम्र में भी और कद में भी मैं अपनी शहरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ और मतलब पढ़ता हूँ सदर मोहतरम की याद चाहते हुए कि खुदा की राह पे चलना महाल रखा है खुदा की राह पे चलना मुहाल रखा है हर एक शख्स ने पत्थर उछाल रखा है खुदा की राह पे चलना मुहाल रखा है हर एक शख्स ने पत्थर उछाल रखा है और उतर के देख ले शायद तुझे मिलेगा हर वगरना मैंने तो दरिया खंगाल रखा है उतर के देख ले शायद तुझे मिलेगा हर वगरना मैंने तो दरिया खंगाल रखा है और जिस शेर के लिए मैंने मतला पढ़ा शेर बतौर खास मुलाजा फरमाए के वगरना मैंने तो दरिया खंगाल रखा है और हमारे घर में वो दावत पे क्यों नहीं आता हमारे घर में वो दावत पे क्यों नहीं आता हमारे घर में तो हलाल रखा है हमारे घर में वो दावत पे क्यों नहीं आता हमारे घर में वो दावत पे क्यों नहीं आता हमारे घर में तो रिजके हलाल रखा है और पहुंच के मंजिल मसतूद पर न भूल मुझे पहुंच के मंजिल मकसूद पर न भूल मुझे कदम कदम पे तुम्हारा ख्याल रखा है कदम कदम पे तुम्हारा ख्याल रखा है और एक मतलब शेर और, और हाजिर करता हूँ मुलाजा फरमाए कि कदम कदम पे तुम्हारा ख्याल रखा है और चरागों पे तूफान छाए हुए हैं चरागों पे तूफान छाए हुए हैं मगर रोशनी कुछ बचाए हुए हैं चरागों पे तूफान छाए हुए हैं मगर रोशनी कुछ बचाए हुए हैं और भरोसा था जिन पर हमारा तुम्हारा वही आग हरसू लगाए हुए हैं भरोसा था जिन पर हमारा तुम्हारा वही आग हरसू लगाए हुए हैं और शेर अगर हो गया तो सभी के दुआएं चाहूंगा मुलाजा फरमाए कि भरोसा था जिन पर हमारा तुम्हारा वही आग हरसू लगाए हुए हैं और करो तलख बातें मगर सोच करिए करो तलख बातें मगर सोच करिए बहुत नीम हम भी चबाए हुए हैं करो तलख बातें मगर सोच कर ये बहुत शुक्रिया आपके मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया करो तख बातें मगर सोच कर ये बहुत नीम हम भी चबाए हुए हैं और एक मतलब यूँ है कि आसमानों की बुलंदी से उतर जाने के बाद आसमानों की बुलंदी से उतर जाने के बाद तजर्बा हासिल हुआ है औच पर जाने के बाद आसमानों की बुलंदी से उतर जाने के बाद तजर्बा हासिल हुआ है आज पर जाने के बाद और पाँव के छालों की जानिब देख लें अहले खरत पाँव के छालों की जानिब देख लें अहले खरत मंजिल मकसूद पर पहुंचा बिखर जाने के बाद मंजिल मकसूद पर पहुंचा बिखर जाने के बाद और वो मेरा महबूब है सानी नहीं जिसका कोई वो मेरा महबूब है सानी नहीं जिसका कोई चांद भी शर्मा गया उसके सवर जाने के बाद चांद भी शर्मा गया उसके सवर जाने के बाद और राह उसकी तक रहा था आखिरी दम तक मगर राह उसकी तक रहा था आखिरी दम तक मगर दौड़ कर आया लहत पर वो खबर जाने के बाद दौड़ कर आया लहत पर बाने बाने वो खबर जाने के बाद और एक मुद्दत से थे बैठे हम भी साहिल पर मगर एक मुद्दत से थे बैठे हम भी साहिल पर मगर कामयाबी पाई दरिया में उतर जाने के बाद एक मुद्दा से थे बैठे हम भी साहिल पर मगर कामयाबी पाई दरिया में उतर जाने के बाद और आज हर भाई अना वाले के हवाले से एक शेर पढ़ने की मुझे इजाजत चाहिए कि तुझको देखूं तुझको देखूं तो यही दिल में ख्याल आता है तुझको देखूं तो यही दिल में ख्याल आता है कितनी फुर्सत से तुझे रब ने बनाया होगा कितनी फुर्सत से तुझे रब ने बनाया होगा बहुत शुक्रिया